जब भी किसी नाश्ते की बात आती है और लगता है कि कुछ चटपट बन जाए, तब हमें याद आती है पोहा की, कि पोहा बहुत ही आसानी से और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। पोहा वैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग डे में बनाया जाता है, कहीं कहीं तो स्टीम करके भी पोहा बनाया जाता है जैसे कि इंदौर में, और कई वैरायटी से भी पोहा बनाया जाता है जैसे बटाटा पोहा है, मटर पोहा, ग्रीन चटनी पोहा वगैरह वगैरह। वैसे इंडिया में पोहा की काफ़ी वैरायटीज़ बनती है, तो आज मैं भी सिंपल वे में इंदौरी जायके के साथ बनाने वाली हूँ इंदौरी पोहा। तो चलिए पोहा की शानदार रेसिपी बनाना प्रारंभ करते हैं। पोहा बनाने के लिए लेती हूँ एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच तेल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली लोग रिफाइंड ऑयल में पोहा बनाते हैं, लेकिन मैं सरसों का ऑयल इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए सही होता है। तो तेल गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं पीनट्स और इनको रोस्ट कर लेती हूँ। पीनट्स चटकने लगे हैं और इनमें अच्छे क्रैक्स आ गए हैं, मतलब ये भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए परफेक्ट है ना। चलिए तो अब डालते हैं एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, अब एक चम्मच राई डालकर मिला देंगे और साथ ही डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च और 8 से 10 करी पत्ता डालकर मिक्स कर लेते हैं और मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। अब ऐड कर रही हूँ 2 प्याज जिनको लॉन्ग स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को भी हमें अच्छा भून लेना है। तो प्याज अच्छी भुन गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी चम्मच हल्दी और साथ ही 1 चम्मच नमक डालकर मिला देती हूँ। अब डालेंगे पोहा और स्मूथली मिक्स कर देंगे। अच्छा, पोहा मैंने यहाँ पर मोटा वाला लिया है, इसको मैंने 10 मिनट पहले धुल के रेस्ट करने के लिए रख दिया था ताकि पोहा अच्छा फूल जाए और बहुत ही खिला खिला बने। और वैसे भी पोहा बनाने के लिए, नाश्ते वाला जो पोहा बनाते हैं उसको बनाने के लिए पोहा हमेशा मोटा वाला लेना चाहिए ताकि एकदम खिला खिला बने। बाकी जो एक पतला वाला पोहा होता है जिससे चिवड़ा बनता है ना, उसको ये उससे यदि हम पोहा बनाते हैं तो पोहा एकदम बहुत ही हलवा टाइप बन जाता है। तो वैसा वाला पोहा आप स्किप करें और ये मोटा वाला पोहा ही लें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ और ढक कर 2 मिनट और पकने देती हूँ। दो मिनट हो गए हैं, अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच शक्कर। अभी शक्कर से तो आपको पता ही है, किसी किसी को पसंद आती है, किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन शक्कर से क्या होता है, जो नमक और मिर्ची का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाता है और बहुत अच्छा उसमें टेस्ट आता है, इसलिए 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ। बाकी यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। तो इसको डाल करके मिक्स कर देती हूँ और इसी में साथ में डाल देती हूँ रोस्टेड पीनट्स भी। नाउ लास्ट में डाल रही हूँ फ्रेश कटी हुई हरी धनिया एंड अगेन मिक्स इट। तो गर्मा गर्म खिला खिला पोहा बनकर के तैयार है। लास्ट में गार्निश करेंगे पीनट से, हरी धनिया, आलू भुजिया से। आप इसे अनारदाना, ग्रेटेड कोकोनट और रतलामी सेब, हरी मिर्च, फाइन चॉप प्याज आदि से गार्निश कर सकते हैं। जब भी आपका पोहा खाने का मन करे तो इसे ऐसे ही आसान तरीके से बनाइए और खाइए। फिर हमें भी बताइए कि आपको किस किस तरह के पोहा खाने की रेसिपीज पसंद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।